वनडे वर्ल्ड कप 2023 में एक बार फिर हमास और इसराइल के बीच जारी जंग ने एंट्री की है। सबसे पहले पाकिस्तानी टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ मैच में शतक जड़ने के बाद इस जंग को याद दिलाया था। अब दूसरी बार इस हमास इसराइल जंग ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के दौरान दूसरी बार वर्ल्ड कप में एंट्री की। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला गया। इसी मुकाबले के दौरान एक दर्शक को स्टैंड में एक पोस्टर लहराते हुए दिखाया गया। उसका फोटो भी काफी वायरल हो रहा है। उस दर्शक ने पोस्टर में लिखा, भारत आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में इसराइल के साथ खड़ा है। पोस्टर में दर्शक ने नीचे अपना नाम भी लिखा। इसी पोस्टर वाले फोटो को एक्स पर सिद्धांत VM अकाउंट से शेयर किया। इस पर इसराइल ने भी जवाब दिया। हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इसराइल ने जवाब में तिरंगा और दिल की इमोजी लगाते हुए लिखा, धन्यवाद भारत। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 10 अक्टूबर को हैदराबाद में मुकाबला खेला था। इस मैच में रिजवान ने 131 रनों की शतकीय पारी खेलकर पाकिस्तान को 6 विकेट से जीत दिलाई थी। इस मैच के अगले दिन ही रिजवान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी। इस पोस्ट के जरिए रिजवान ने अपने शतक को गाजा पट्टी के लोगों को समर्पित किया था। तब रिजवान ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, यह शतक गाजा में हमारे भाई और बहनों के लिए है। इस जीत में योगदान देकर बहुत खुश हूं। इसका क्रेडिट पूरी टीम और खासकर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को जाता है। शानदार मेजबानी और समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों का आभारी हूं। बता दें हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब से हमले में इसराइल में 1300 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि इजरायली जवाबी हमलों में गाजा में 1530 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसराइल ने दावा किया है कि इसराइल के अंदर लगभग 1500 हमास आतंकवादी मारे गए।